ऑटोमोबाइल में यूट्यूब का एक चैनल जिसमें ऑटोमोबाइल के सारे पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है EGR सिस्टम। EGR का फुल फॉर्म होता है एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन सिस्टम। दोस्तों यह EGR बेसिकली इंजन में प्रोड्यूस होने वाले नॉक्स को रिड्यूस करने के काम आता है। दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली बहुत ही हजार्डस गैसों से भरता जा रहा है, जिसमें से एक बहुत ही हजार्डस गैस है जिसका नाम है नॉक्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। एंड गाइस आजकल नॉक्स का सबसे बड़ा सोर्स है हमारी गाड़ियाँ। हमारी गाड़ियों से नॉक्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसे रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे EGR सिस्टम का यूज करते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस EGR सिस्टम की वजह से कैसे हम नॉक्स को रिड्यूस कर सकते हैं। EGR सिस्टम, EGR का फुल फॉर्म होता है एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन सिस्टम। गाइस EGR का बेसिकली वर्क होता है कि इंजन से प्रोड्यूस होने वाले नॉक्स को रिड्यूस करना। गाइस नॉक्स मतलब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जो कि इंजन में कंबशन होने से बहुत ही हाई टेम्परेचर पर ही जनरेट होते हैं। तो गाइस अगर किसी तरीके से हम इंजन में प्रोड्यूस होने वाले हाई टेम्परेचर को रिड्यूस कर सकें तो नॉक्स के प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए EGR सिस्टम में कुछ बेसिक पार्ट्स होते हैं, जैसे कि EGR कूलर, EGR वॉल्व, EGR वाटर पंप। गाइस इसी के साथ में यहाँ पे टर्बोचार्जर का भी यूज़ होता है। एंड टर्बोचार्जर का काम यह है कि वह इंजन के लिए फोर्स इंडक्शन का काम करता है। गाइस टर्बोचार्जर को बेसिकली इंजन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब मोर पावर पाने के लिए यूज़ किया जाता है। गाइस यह चीज़ हमेशा याद रखिए, टर्बोचार्जर का यूज़ होता है फोर्स इंडक्शन में। तो फोर्स इंडक्शन के कारण में यह बहुत ही हाई अमाउंट का एटमॉस्फेरिक एयर सक करता है और उसे इंटरकूलर से पास करा के इनलेट वॉल तक ले जाता है। अब गाइस बिकॉज ऑफ द फोर्स इंडक्शन बहुत ही हाई अमाउंट का एयर यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब इस एयर में बहुत ही हाई अमाउंट के ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। जैसे ही यह इनलेट वॉल ओपन होता है, यह हाई अमाउंट का ऑक्सीजन वाला एयर अंदर चला जाता है और फ्यूल के साथ में मिक्स होकर के कंबशन होता है। कंबशन होने पे बहुत ही हाई अमाउंट के एयर में, जो कि बहुत ही हाई अमाउंट के ऑक्सीजन कंटेन हैं, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब जितने भी अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, मतलब इंजन की भी एक कैपेसिटी होती है, उसके अकॉर्डिंगली ऑक्सीजन एटम यहाँ पे बर्न हो जाते हैं एंड स्टिल कुछ अमाउंट के ऑक्सीजन यहाँ पे बच जाते हैं, जो कि आउटलेट वॉल के ओपन होने पर एग्जॉस्ट गैसेस के साथ बाहर निकल जाते हैं। अब गाइस ये एग्जॉस्ट गैसेस यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। कुछ पार्ट टर्बोचार्जर में जाता है, जो कि टर्बाइन को यहाँ पे रोटेट कराकर एग्जॉस्ट सिस्टम में आगे बढ़ता है, बट इसके कुछ पार्ट ऑलमोस्ट 50% एग्जॉस्ट गैस या EGR कूलर की तरफ जाते हैं। गाइस यहाँ एग्जॉस्ट गैस में कंबशन के कारण बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है और उसे रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे EGR कूलर में भेजते हैं। गाइस EGR कूलर में हीट का एक्सचेंज होता है। अब यहाँ पे वर्क आता है ये वाटर पंप का। वाटर पंप कंटिन्यूसली वर्क करते रहता है, जिससे कि यहाँ से कूल वाटर मतलब ठंडे पानी को इससे पास कराया जाता है, जिससे यहाँ पे हीट का एक्सचेंज होता है। अब जो एग्जॉस्ट गैसेस थी वो, मतलब जो कि हीटेड एग्जॉस्ट गैसेस थी, वो ठंडी हो जाती हैं और यहाँ पे EGR वॉल के पास आ जाती हैं। गाइस ये EGR वॉल इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होता है। जब भी यहाँ पे एयर की रिक्वायरमेंट होती है, यह EGR वॉल ओपन होता है और इस एग्जॉस्ट गैस से आने वाले ऑक्सीजन एटम को ओपन कर देती है, और जो कि यहाँ फोर्स इंडक्शन से आने वाले एयर के साथ मिक्स हो जाता है। अब गाइस यहाँ पे होता क्या है कि 50% फोर्स इंडक्शन से आने वाला एयर और 50% EGR वॉल से आने वाला एयर होता है, मतलब 50-50% के साथ में यह 100% का मिक्सचर बनाते हैं और इनलेट वॉल के ओपन होने पर फिर से यहाँ पे अंदर चले जाते हैं। अब गाइस यहाँ पे प्रॉफिट ये होता है कि 50-50% होने के कारण में परफेक्ट कंबशन होता है, जिससे एयर फ्यूल मिक्सचर परफेक्टली बर्न होते हैं और यहाँ टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है। मतलब ज़्यादा अमाउंट का ऑक्सीजन नहीं है तो फिर टेम्परेचर यहाँ कुछ रिड्यूस हो जाता है, अब नॉक्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। अब गाइस इसके बाद भी कहीं पे ज़्यादा टेम्परेचर जनरेट होने लगता है, तो उस समय पर फिर से यह EGR कूलर वर्क करने लगता है और
यहाँ पे टेम्परेचर को रिड्यूस करके रखा जाता है, जिससे कि नॉक्स का रिडक्शन होता है। तो गाइस यह था बेसिक वर्क ऑफ ईजीआर सिस्टम, जो कि नॉक्स के रिडक्शन में काम आता है। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे आज की वीडियो को देखने के लिए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप हमारे सारे वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। धन्यवाद।